हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पप्पू यादव वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई वाला असली माजरा क्या है? हाँ, माजरा क्या है भैया? ये पप्पू यादव क्यों पीछे में घुसता जा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही। ना तेरा लेना ना तेरा देना भैया, तू क्यों बीच में घुसा? तो एनीवे, देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर, जल्दी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसके 24 घंटे के भीतर बिहार से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। एक बड़े नेता पप्पू यादव कहते हैं कि 24 घंटे अगर मुझे मिल गए तो मैं पूरा सिंडिकेट ही खत्म कर दूंगा। किसका? एक बड़े डॉन का। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। नेता है, बड़ा गुंडा है। कहते हैं कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। और भी बातें वो लिखते हैं। तो इससे नजर ये आता है कि पप्पू यादव बहुत बड़े क्या, क्योंकि उनका इतिहास एक ऐसा रहा है तो वो इतनी ठसक के साथ कह रहे हैं तो दमखम नजर आता है। लेकिन 24 घंटे बीतते हैं, 48 घंटे बीतते हैं, 72 घंटे बीतते हैं, फिर पता चलता है कि पप्पू यादव तो टाई टाई फिस निकले। कैसे? इसमें सुनिए। आप ज्यादा तेल मत भरिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। कांग्रेस का बंदा है। तो प्रकाश भाई हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश भाई, देखिए, हमने जो बाइट सुनवाई उसमें पप्पू यादव जो है पत्रकारों पे ही उल्टा डपट रहे हैं। लॉरेंस पर सवाल क्या पूछ लिया? ये डर है क्या उनके अंदर? नहीं तो क्या है? इससे किस डर गया? हेकड़ी मार रहे थे, ये कहाँ चली गई सारी हेकड़ी? देखिए, पप्पू यादव जो बोलते ज्यादा जोश में बोल दिए। वो एक बच्चे का नहीं रील आता है, ओरे मोरी भैया मेरे मुंह से निकल गई, ये वो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि जोश में होंगे, अपना सुने होंगे पहली बार, मुझे लग रहा है कि सुना ही होगा। अगर कोई लड़का है अपना कुछ कह दिया, इनको लिखने के बाद मुझे लग रहा है फिर उस बात का अंदाजा हुआ है कि इन्होंने लिखा क्या है। और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, भाई पप्पू यादव भी कोई छोटे शेर के मुंह में हाथ डाला, छोटे आदमी नहीं। पुराने इतिहास को ध्यान में रखते हुए लिखा, क्योंकि पप्पू यादव भी ऐसे ही थे। 100 चूहे खाके बिल्ली हज को जाने वाली व्यवस्था है। पप्पू यादव कोई साधु महात्मा थोड़ी है, या फिर फूल की खेती नहीं करते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, लगता है लंबे समय मैंने बोला था, गुजारा है इन्होंने। मैं तो देख के बता देती हूं बंदा फ्रॉड है क्या, विधायक भी रहे, बोल नहीं पाती कई बार। उस जमाने के नेता है जिस जमाने में बिहार में सभी बुरे लोगों को डर लग रहा है, ये सब उद्योग होता था बिहार में। आज भी कोई बहुत उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग कर्मी हुआ करते थे जिनका काम ही था अपहरण कर लेना, हत्या कर लेना, एक्सटॉर्शन पप्पू यादव भी हुए। पप्पू यादव और आनंद मोहन की आपस में जो दोस्ती बड़ी फेमस है, तो पप्पू यादव ने वो ध्यान में रख के अपना पुराना वाला मामला कुछ लिख दिया। इनको ये अंदाजा नहीं हुआ ये लॉरेंस बिश्नोई मतलब इतनी बड़ी तोप है। इनको लगा लौंडा लपाड़ा है, तभी तो लिख दिए 2 टके के लौंडे। फिर मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव को कुछ तो हुआ है, कुछ आई, कोई चिट्ठी आई, जो फेशियल एक्सप्रेशन है भाई, चिट्ठी आई है, आई है, 24 घंटे में खत्म कर देंगे। तो हमारे जैसा आदमी जो लोग बिहार में पप्पू यादव का भावकाल देखा है, जानता समझता है, तो हम लोगों को तो लग रहा है देख के बोला था गड़बड़ा, कुछ तो बात है। लेकिन पप्पू जी ने लिखा और वो लिखा उनका आज भी मौजूद है, भले वो पत्रकारों से बात नहीं करना चाहते हैं। हमने भी क्योंकि बातचीत करने की कोशिश की, ग्लोबल भारत की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, वो भी सुनाते हैं प्रकाश जी कि उस टाइम पे पप्पू यादव क्या कह रहे थे। मैं अभी एक ही खबर है, आप ही है सब जगह, क्या करें भैया। मैं आपको अभी तो हम गांव में है भैया जी, मेरे यहाँ खुर्दा महोत्सव चल रहा है। ओके, तो हम कल आपको फोन करते हैं। सर वही दरअसल मतलब जो लिखे ना आप, उसी पर देश में पूरा बवाल मचा हुआ है कि भाई डॉक्टर सर कह रहे हैं लॉरेंस के बारे में। सही लगा बोल दिया, उसने आपको फोन, देश में बवाल मचे,
कोई मारे कोई मार दे, सब लोगों को परवाह नहीं करता है। गलत संविधान है भारत, लोकतंत्र के ऊपर नहीं है। बस हमको अच्छा लगा, हम बोल दिए, अच्छा लगा, बिना दिमाग लगाए बोल दिए। करना चाहिए क्या भैया ये बात? हम तो नहीं कुछ बोल सकते, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। सच्चाई में आई डोंट नो हु इज द लॉरेंस बिश्नोई, कौन है, क्या है, तो फिर लिखा क्यों तूने? विचारधारा देश और लोकतंत्र संविधान से बड़ा नहीं है, और मुझे लगा कि देश से बड़ा कोई व्यक्ति हो जाए तो फिर देश की वैल्यू, संविधान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक औपचारिक मैंने लिख दी, और कुछ मेरा मित्र सर ये कह रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ एक बार बात करना चाहेंगे, कर लेंगे क्या? एक मिनट आपका जी। ठीक है। तो देखिए हमसे बातचीत हो या जो अभी वीडियो उनका सामने आया है, जो बाइट सामने आई है, दोनों एक ही हैं। बात नहीं करना चाहते, लॉरेंस का नाम सुन के ही वो भड़क रहे हैं, लेकिन ट्वीट अभी भी मौजूद है। तो ये ठसक कम हुई है, हेकड़ी कम हुई है या नहीं हुई है, जरा बैलेंस समझ में नहीं आ रहा। अरे हम तो आपसे कह रहे हैं, ओरे मोरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, अब तो निकल गई बात, अब मेरा जान छोड़ दो या हमको जाने दो, इस पे बात मत करो। लॉरेंस पे बात मत करो, लॉरेंस के विषय पर बात मत करो, हमसे कुछ मत पूछो। कल पत्रकारों की उसमें जो है गए थे अपना, वहां लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जबकि पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इस शर्त पर गए करने के लिए कि कोई हमसे लॉरेंस के बारे में नहीं पूछेगा। ये तय कर लिया उन्होंने पहले, पत्रकारों ने हाँ भी कह दिया होगा, उसी में कोई होगा उसने कहा कि लॉरेंस पर तो कह भी रहे हैं कि ज्यादा काबिल बने हो, ज्यादा समझदार बनते हो, बोल दिए ना कि नहीं बात करेंगे उस पर। तो पप्पू यादव के साथ दो तरह की चीजें हुई है, या तो पप्पू यादव चूंकि पुराने समझदार हैं, उनको इम्पैक्ट समझ आ गया इस चीज का, सोशल मीडिया के जमाने में तो कुछ छुपता है नहीं, या फिर हमको लगता है कोई फोन की घंटी बज गई है, फोन आया होगा तो समझ गए होंगे पप्पू यादव अपने जमाने के थे। आपने फोन का जिक्र किया, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसे नेता को मुंबई में सरे राह उसकी हत्या करवा देना, मतलब अब जिम्मेदारी ली है तो ये माना ही जा रहा है कि उन्होंने ही करवाया है, तो इतना इतनी पहुंच वाला आदमी अगर उसकी हत्या हो सकती है, तो फिर पप्पू यादव कोई बहुत बड़ी तोप रहे होंगे 90 के दशक में बिहार के अंदर, लेकिन अब क्योंकि जमाना बदल गया है, अब थोड़ा तो उनको लग रहा होगा। जो भी होंगे पुराने समय में, अभी कोई क्रिमिनल तो नहीं है, अभी अच्छे राजनेता के जीवन गुजर कर रहे हैं। पुराने जमाने में जो भी तस्वीर उनकी आती थी, अब तस्वीर ये आती है कि पप्पू यादव कहीं बाढ़ में लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो अच्छी वजहों से नहीं। तस्वीर भले ही आती है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग अलग होते हैं। पप्पू यादव की वो जो अंदर से एक इंटरनल जो भी सोच रही होगी, या फिर उस दौर में तरीके से पता चल रहा है, उभर पाए होंगे बहुत हद तक, नहीं नजर आता, दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन जो ट्वीट उन्होंने किया और उस पे जो उसके बाद रिएक्शन दे रहे हैं, सवाल इस पर है कि फोन गया है या फिर उनको खुद ही समझ में आ गया है, फोन गया या फिर कुछ हुआ, कुछ तो हुआ। ऐसे लोगों को अपने आप समझ में आता है, आदमी का जो है ना काल हो जाता है, बड़बोलेपन से आदमी को बचना चाहिए। पप्पू यादव राजनेता हमेशा से जब से भी हैं, बोलते बोलते कई बार ज्यादा बोल जाते हैं, उनको लाइन का नहीं पता रहता है कि यहाँ रुकना है, नहीं वो एकदम ब्रेक फेल है पूरा, एक्सलेटर पर पैर रखे ब्रेक मारते नहीं है और एकदम टॉप गियर में चले तो गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, हमेशा रास्ते पे तो नहीं चलेगी। लॉरेंस वाले मामले में इनके साथ यही हुआ, लॉरेंस इनका क्या लेना देना है, क्या बिगाड़ा लॉरेंस ने आपका? कुछ नहीं किया, है ना, आपको लिखना था, आप और भी तरीके हैं उसको लिखने के, लेकिन आप सीधा सीधा कह रहे हो कि हम करेंगे, आप लड़ने को तैयार बता रहे, गैंगस्टर जो घोषित जो खुले में लोगों की हत्याएं जेल में बैठ करके करवा रहा है, आप उससे कह रहे हो कि हमको 24 घंटा दीजिए हम सिस्टम खत्म कर देंगे, सब लौंडाला पड़ा है। बात यह है कि जो प्रशासन नहीं कर पा रहा, जो पुलिस नहीं कर पा रही, वो ये कर लेंगे। तो ऐसा तगड़ा सिस्टम है आपका तो कर दीजिए, अब काहे घबराए हुए हैं, क्यों पत्रकारों से सेटिंग कर रहे हो कि नाम मत लेना उसका, तो अब नाम लेने से घबरा रहे हो, चाहते ही नहीं हो कि ये सब्जेक्ट सामने में आए, जिस विषय पे आपने इतना बड़ा जो है निबंध लिख दिया, उस निबंध के दो लाइन आपसे बोले नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जाके ट्वीट पढ़ो, तो ट्वीट तो आदमी पढ़ ही रहा है, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या है पप्पू यादव का, देश जानना चाहता है। जब आपने कहा कि 24 घंटे में खत्म कर देंगे, तो जरा बता दीजिए कैसे ये खत्म किया जा सकता है, जो एजेंसियां या पुलिस वालों को नहीं समझ आ रहा है कि कैसे काम करना है, और लॉरेंस के सिंडिकेट को अगर खत्म किया जा सकता है तो बता देते तो लोग खत्म भी कर लेते, लेकिन अब तो बात ही नहीं कर रहे हैं। भैया मैंने तो इस बंदे को देख के ही बोल दिया था पप्पू यादव ये कोई ठीक बंदा नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जो लोग
पूरे काम मतलब किया मजे की बात ये होती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को कुछ नहीं कहा मगर कुछ लोग जो हैं उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो तुम? तुम्हें को लेना देना ही नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो? वो एक नदीम खान आया था, उसको ना तेरे किसी ने कुछ बोला ना कुछ किया है, पप्पू यादव किसी ने तुम्हें कुछ नहीं बोला, बट यू आर कमिंग अगेंस्ट लॉरेंस। लोग बोलते क्यों भाई, वाई? मतलब समझ नहीं आता लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या है। क्या तुम लोग उसके कोई मतलब उसके कॉम्पिटिटर के गैंगस्टर के साथ मिले हुए हो या तुम्हारा कोई लिंक है, तुम्हारा कोई चक्कर है? नोबडी नोज व्हाई इट इज, आई डोंट नो। और अगर इग्नोरेंस में बोला है तो अगर तुम एक सीरियस पॉलिटिशियन हो तो सीरियस पॉलिटिशियन तो बहुत ध्यान से बोलता है, राइट? तो तुम पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहते, तुम लीडर कैसे बन गए? मैं तो ये नहीं समझ रहा, केयरफुली बोलता है। और तुमने जिस तरह से लिखा था कोई पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन तो ऐसा ट्वीट कर ही नहीं सकता, इतना घटिया वे। मतलब ये सोचने वाली बात है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, नदीम खान को प्रॉब्लम क्यों? इस बंदे का है नहीं चीजों से। पप्पू यादव का अगर आप ट्वीट पढ़ोगे, इतना गंदा ट्वीट उसने लिखा है। कोई अच्छा लीडर इस तरह से लिखने के तरीका होता है, इस तरह से कोई लिखता नहीं है। उसी से जज हो जाना चाहिए किसी भी समझदार इंसान को कि पप्पू यादव है किस तरह का आदमी। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को किसी भी पॉलिटिशियन की पहले एजुकेशन देखनी चाहिए कि ट्रूली एजुकेटेड है नहीं है। मेरे को तो यही लगता है कितना एजुकेटेड है उसके हिसाब से तो था ना एजुकेटेड, ठीक है, बट उसके तो उसका काम कर्म किया, बट डजंट मीन इट। जितना एजुकेटेड लोगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं गुड गवर्नेंस के, वो ठीक है। एनीबॉडी कैन डू क्राइम, उसकी बात नहीं है, मगर आप अपने अपने और इंप्रूव कर रहे हैं। exactly. तो जितना ज्यादा एजुकेटेड है मोस्ट लाइकली उतना बेटर होगा भैया, उसके चांसेस ज्यादा अच्छा काम करने के चांसेस ज्यादा है, इट डजंट गारंटी, बट यू डू। ऐसे लोगों को तो देख लो, जितने भी आप देख रहे हो ये सब ये देश चलाने वाले लोग, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उनको कैंडिडेट इतने बुरे आ रहे हैं कि वो क्या करें, सब गुंडे बन के फिर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है ये सब। और ये लोग जैसे से ज्यादा एजुकेटेड होंगे देन दे विल स्टार्ट चेंजिंग एवरीथिंग। चेंज तो आ रहा है अब, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं वो चेंजेस, जिसको भी मारा है वो बुरा इंसान था, उनको दिख रहा है कि भैया इस सिस्टम में गंद बना हुआ है। अब ये जैसे ऐसे लोग अगर पॉलिटिशियन बने हुए हैं तो बेचारा एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान लॉरेंस बिश्नोई बनने में मजबूर होगा ही होगा। आप इस देख लो पॉलिटिशियंस के, लोगों ने इसमें ज्यादा करना चाहिए कि सलमान खान अगर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है तो जल्दी क्यों नहीं होती प्रोसीडिंग? व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? क्यों इतना टाइम लग रहा है? इंसाफ, पीपल शुड आस्क कि आपका जुडिशरी तेजी से काम क्यों नहीं करती भाई? इंसाफ के लिए जो लड़ रहा था वो बंदे जो थे वो पता नहीं वो कहां भगवान को प्यारे हो गए। ये लोगों को इसने जवानी में कुकर में किया, बुढ़ापे तक पहुंच गया, अभी तक सजा ही नहीं मिली। ये क्वेश्चन लोगों को पूछना चाहिए जुडिशरी से, एकदम स्लो इतने क्यों हो भाई? वारे ये न्याय है, दैट इज व्हाट यू नीड टू चेंज। तो और क्या करे एक इंसान? लॉरेंस बिश्नोई नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।